हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk. आई एम आयशा सदीका और आज हम मौजूद हैं कोयटा बलूचिस्तान में. हमें अक्सर मीडिया पर दिखाया जाता है कि कोयटा और बलूचिस्तान रीजन सेफ नहीं है, वहाँ पे आम आवाम सेफ नहीं है और उसके साथ ही साथ औरतें भी जिस तरह से लाइफ लाहौर कराची इस्लामाबाद में गुजारी जाती है, जिस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उस तरह की लाइफ उनको बलूचिस्तान में नहीं मिलती है. तो आज हम इसलिए ख़ुद बलूचिस्तान आए हैं ताकि देख सकें कि किस तरह से, जिस तरह से हमारी परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन बना दी गई है, क्या लाइफ यहाँ पे वैसी है या फिर इसमें कोई और हकीकत भी मौजूद है. तो बस अभी जैसे मेरी गाड़ी आ जाएगी, हम बाहर जाएंगे, शहर में देखेंगे, हम बाज़ार भी देखेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ का कल्चर और यहाँ का रहन सहन किस तरह से बाकी सूबों और बड़े शहरों से डिफरेंट है. अच्छा, तो अब हम कोयटा क्लब से निकल चुके हैं और ये अभी जितना भी आपको रास्ते में नज़र आएगा, दिस इज़ कोयटा कैंट. जो सबसे पहली चीज़ मैंने कोयटा के बारे में नोटिस की है, दैट इज़ के कोयटा सिटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. वन इज़ कोयटा कैंट एंड दी अदर इज़ कोयटा सिटी. और आम शहरी के लिए कोयटा कैंट में आना बहुत ही मुश्किल काम है. इवन मेरा स्टे कोयटा कैंट के अंदर था, मेरे लिए एंट्री करना एक बहुत मुश्किल काम था और बहुत ज़्यादा चेकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और इस सब के बाद काफ़ी ख्वारी करने के बाद आपको एंट्री मिलती है कोयटा कैंट के अंदर, विच इज़ डिफरेंट लाहौर कराची इस्लामाबाद इन सब जगहों से ये चीज़ डिफरेंट है. क्योंकि वहाँ पे अगर वो चेकिंग करते भी हैं तो वो आपका आईडी कार्ड अपने पास नहीं रखते, वो एंट्री नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, वो बस आपको देखते हैं और आपको कैंट में एंट्री मिल जाती है. बट इधर बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा चेंज है. सो द फर्स्ट चेंज इन कोयटा एंड द रेस्ट ऑफ द सिटी इज़ यहाँ के कोयटा कैंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये है यादगार शहदा कोयटा. वेल, ये तो मानना पड़ेगा कि कोयटा कैंट इज ब्यूटिफुल देन एनी अदर कैंट आई हैव एवर सीन. का हज़ारा एरिया मरियाबाद जिसका नाम है. यहाँ पे जो बसेस खड़ी हैं, ये जब यहाँ से ज़ायरीन इराक जाते हैं, ईरान जाते हैं अपनी रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करने के लिए उनके, तो यहाँ से ये बसेस निकलती हैं और ये सारा हज़ारा एरिया है कोयटा का. यहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी रहती है और ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक पहाड़ के ऊपर जहाँ तक नज़र आ रहे हैं उनके घर बने हुए हैं. अच्छा, तो अभी हम लोग सिटी में आ चुके हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है. यहाँ पे एक मॉल है जहाँ पे हम आए हैं एंड विल सी हाउ पीपल लिव देयर. ये है यहाँ का ऑल फेमस मिलेनियम मॉल एंड ज्वेलरी शॉप. सो यहाँ पे आई फील के इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मॉल इन लाहौर कराची और एनीवेयर एल्स. वी कैन सी वुमेन एंड मैन इक्वली कमिंग हियर एंड शॉपिंग फ्रीली. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मॉल, अनएक्सपेक्टेडली गुड बीइंग इन बलूचिस्तान. सो वी आर ब्रेकिंग द मिथ्स दैट वी हैव लिसन अबाउट कोयटा एंड बलूचिस्तान बाय विजिटिंग इट ourselves. Okay, so we can see कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, बॉडी शॉप, पार्डा, आइडियाज, गुल अहमद, ईच एंड एवरी थिंग, बरीज है. ये लेडीज़ शॉप है एंड वी कैन सी कि लेडीज़ आराम से शॉपिंग कर रहे हैं. देर वेरी ब्यूटिफुल क्लोथ्स जो कि अभी जाके अंदर मैं भी देखने वाली हूँ. ओके, सो यहाँ पे हमें KFC मिला है एंड देन देयर इज़ मैकडोनल्ड्स एज वेल. और मतलब फास्ट फूड, और हम देख सकते हैं कि लड़के लड़कियाँ जिस तरह से भी उनका दिल करता है बैठे हैं ओपनली एंजॉइंग देमसेल्व्स. देयर इज़ जूस बार एंड एवरीथिंग, बारबेक्यू एंड ग्रिल. सो बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, प्रीटी कूल. हाँ,
तो ये शहर के बिल्कुल बाहर ही एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे शाम को लोग आते हैं, चाय पीते हैं, खाना शाना खाते हैं और व्यू का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक पहाड़ हैं, मर्द और ख़वातीन बैठे हुए हैं। मैं अवॉइड कर रही हूँ ख़वातीन की तरफ कैमरा करना बिकॉज़ ऑब्वियसली वो पर्दे का ख्याल करते हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बने, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ वेमेन एंड मैन हैंगिंग आउट और जिस तरह से लाहौर में बैठते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ की ख्वातीन पर्दे का बहुत ख्याल रखती हैं, सर पर दुपट्टा लाजमी लेके रखती हैं। बुरखे में भी काफ़ी नज़र आई हैं लेकिन बुरखे के बगैर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ख्वातीन नज़र आई हैं।